हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही तगड़ी बारिश हुई थी यहाँ पर। सिर्फ ये मान सकते हो 15-20 मिनट में मतलब ऐसी मूसलाधार बारिश होगी यहाँ पर। और अभी मैं जा रहा हूँ सीधे भटेरिया। कैसे मुंह छुपा रहा है यार? तो यार हमारे साथ है मिस्टर इंग्लैंड से आए हैं साहब, और दूसरे वाले देख सकते हो दीपरा चाइना से बोल रहे हैं। चाइना में कौन सी जगह से आया यार? यांगसू चा। अच्छा, और एक और शख्स से मिलाते हैं, ये रामलाल मिस्त्री हमारे। कैसा लगा मेरा मजाक? जाने का मूड तो नहीं था, लेकिन ये देख सकते हो मेरी माँ को। अरे इधर तो आ जाओ, क्या खाना था तुमको अभी आज? इनको आज कोटा कलेजी खाने का मन है, तो जबरदस्ती मुझे जाना पड़ रहा है अभी। और बारिश भी हो सकती है, लेकिन क्या करें, जाना तो जरूरी है। तो यार यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ काम कैसा हो रहा है। तो जितने पिलर हैं उसमें अभी प्लास्टर हो चुका है, देख सकते हो आप। यहाँ से अंधेरा दिख रहा है, देख सकते हो। और काम फिलहाल चल ही रहा है, अभी दो पिलर और रह गए यहाँ पर बनाने। और मौसम आप देख सकते हो गड़गड़ाहट। तो यार बारिश आने की फिर से संभावना है, देखते हैं क्या होता है। आप बिल्कुल ध्यान से सुन सकते हो, मौसम पूरा गड़गड़ा रहा है। अब चुप जा भाई, इसी टाइम तेरे को चिल्लाना होता है। ये मुर्गे भी यार खास टाइम में चिल्लाते हैं। हाँ अपू, ये काजल किसने लगाया? मम्मा ने लगाया है। हाँ। अच्छा, ये जो और ये टोपी किसने बनाई? मेरी मम्मा ने। किसने बनाया ये टोपी? मेरे पापा लाए। पापा लाए, कहाँ से लाए? शादी किससे होने वाली है बता दे। मेरे भैया से। अरे भैया से कौन शादी करता है भाई? अभी तो बता रही थी तुम नाम कुछ। भैया। अरे अब कैसे समझाएं, भैया से शादी नहीं करते ना। बाद में बताइए। तो यार फिलहाल वीडियो बनाते बनाते एक नजर मेरी इसमें पड़ी यहाँ पर, ये देख सकते हो आप कितना बड़ा लौकी है या लौका है। पकड़िए जरा इसको एक बार। अरे मतलब वीडियो कितना बड़ा है यार, ये देख सकते हो आप। हनुमान जी की गदा। अप्पू अप्पू ये देख, लौकी देखा कभी इतना मोटा है यार? ये होगा करीब करीब 10 किलो, 8 या 10 किलो तो होगा यार इसमें। पूरी हनुमान जी गदा लग रही है। एक चीज और दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो चीला, इसे बहुत लोग पहचानते होंगे। गायों को बकरियों को दिया जाता है। तो अभी बारिश हो रही है तो बाहर जा नहीं सकते, इसलिए मतलब ये है कि बहुत कीचड़ हो रहा है, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। और ये तो है हमारी मम्मी, आप लोगों को पता ही है। तो उसी के साथ एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं। अभी थोड़ी देर पहले ही 3 बार इनको कॉल आया, और कॉल में क्या होता है कि हेलो बोलते हैं और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता आगे से। हेलो बोलते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, 3 बार हो गया। उसके बाद एकदम से रिएक्शन आता है इनका, और बोलते हैं कि कुछ अरे ना बोलने, मतलब इसका मतलब ये होता है कि क्यों भाई बोल क्यों रहे फोन करके। तो यार बहुत फनी इंसिडेंट हो गया था अभी। तो यार फिलहाल अब निकलते हैं फटाफट, बारिश भी हो सकती है उससे पहले।
पैदल रास्ता आप देख सकते हो काफी कीचड़ है रास्ते में। चलो कम से कम घास काटी हुई है यहाँ पर आजकल। कल का इंसिडेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि कल रात को कुछ हुआ था हम लोग के साथ। और ये चाबी अभी इस भाई से लेके आया हूँ क्योंकि इसी के पास थी। तो यार फिलहाल गाड़ी भी हमारी चकाचक हो चुकी है क्योंकि अभी बारिश बहुत तेज हुई थी, तो गाड़ी एकदम धुली हुई लग रही है। यार सीट में भी पूरे छींटे आए हुए हैं, तो पहले इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि ना पिछवाड़े में पूरा गीला हो जाएगा। क्या हो गया भाई, खुल जा सिम, खुल गई। बारिश की वजह से गाड़ी ठंडी हो चुकी है, तो यार थोड़ा गर्म कर लेते हैं इसको। यहाँ तो हमेशा रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है। तो यार सुबह आज हमारे ताऊ जी के लड़के हैं जीवन दाई, तो वो गए हुए थे भटेलिया, तो उनसे हम लोगों ने कॉल करके बोला था कि यार पोटा कलेजी रखवा देना, क्योंकि होता है कि यार सुबह सुबह तो वैसे भी रहता नहीं है, तो शाम तक ही हो पाता है। तो उन्होंने ही वहाँ पर उसको बोल दिया था जो मीट वाला है। तो स्कूल के बच्चे भी अभी छुट्टी होने का टाइम हो गया है, अभी 4:30 बज रहे हैं करीब करीब। ये सब हमारे गांव के हैं। अरे कितना मस्त पप्पी है यार, छोटा सा। तो यार ये हमारे वहां की है, क्या हाल है, हमारे गांव की गाड़ी है ये। अभी तो बाइक होगी सबके पास, तो अभी हम लोग तो बाइक में ही निकलते हैं इधर उधर, नहीं तो इसी में आना जाना होता था। तो यार मैं कल रात की बात बताता हूँ आप लोगों को, जो मैं इंसिडेंट कहने वाला था आप लोगों की, हाँ मैं अभी बताऊँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ही हमारी गाड़ी जो है उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। दो गाड़ी हम लोग लेके आए थे, तो एक गाड़ी में तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर दूसरी गाड़ी को हमने भटेलिया भेजा, भटेलिया जाके फिर हमने मोमोज मंगाए, तो तब जाके हमने वापस यहाँ पर खाए। उससे पहले नहीं तो तेल ख़त्म हो गया था, यहाँ से ऊपर से दुकान से हम लोग तेल लेके गए और हम लोगों ने डाला, फिर उसके बाद हम चल पाए यहाँ से, नहीं तो बहुत दिक्कत हो गई थी हमको। तो वो तो दो गाड़ी थी हमारे पास, इसलिए हमने बोला यार इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हो यार, तुम लोग मोमोज ले आओ, हम लोग यहाँ पर यहाँ से तेल ले कर डाल दिया हमने। हट जाओ गैया आगे से। सबसे पहले तो यार पोटा ले लेते हैं। क्या हाल है भाई अमन? बढ़िया यार, वो जीवंदा सुबह पोटा और रखवा के गए थे ना, हो गया? एक दो काम और हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जीवंदा का भी काम है यार, इसमें से 1000 रुपये निकालने हैं। तो यार 1000 रुपये भी आ गए, जीवंदा ने मंगाए हुए थे, अब ले लेते हैं कुछ सामान। क्या हालचाल है साहब? अरे हाथ तो मिला लो यार, क्या हमारे हाथ में क्या वो लगाया गया, अभी कहाँ थे तुम, थे ही नहीं यार अभी। हाँ बढ़िया, क्या नीरज थापा ब्लॉग्स। यार मुझे ना एक पापड़ का पैकेट दे दे, और क्या था, हाँ कपड़ा धोने वाला साबुन। अबे क्यों, इसको कैसे जानते हो? नहीं यार ये मेरे भी तो क्लासमेट था, हाँ लेकिन यार ये, हाँ सूपी, हाँ ये सूपी चले गया था वैसे, हाँ 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 ये पहले से मतलब क्यूट टाइप, मतलब छोटा सा क्यूट टाइप का था ये पहले से। हाँ अंकल
पापड़ हरामी हो बेटा। पापड़ तो देते यार मेरे को यार भाई। टाइम हो चुका है निकलने का वापस। ये शाम मस्तानी, अरे अरे गड्ढों की वजह से यार सुरताली भी कर जा रहा भाई। मदहोश किए जाए। सो गाइस देख सकते हो यार काफी कोहरा आ चुका है अभी और शाम के 5:30 बज चुके हैं अभी। तो यार देख रहे हो कितना कोहरा है, कितना कोहरा है भाई, कितना कोहरा है। ओहो अरे भड़ीला क्या था यार। फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूँ, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, लेकिन मेरा बैग जो है इतना भारी हो रहा है, इतना भारी हो क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत फुल एकदम पैक। और मौसम जो है देख सकते हो आप पूरा खराब है। सो गाइज मैं पहुंच चुका था 6:30 के आसपास घर पे, क्योंकि बैग मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी भारी हो रहा था। और जैसे कि जीवनदा के बारे में मैंने बताया था, जिन्होंने सामान मंगाया था तो उनको भी मैंने सामान दे दिया था। और उसके बाद मैं घर आ गया था वापस, और अभी बस डिनर करने को तैयार हैं हम लोग। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सारे जितने भी घर के मेंबर हैं सब नॉन वेजिटेरियन हैं, सिर्फ एक दिन छोड़ते हैं हम मंगलवार के दिन, बस उसके बाद तो सारे दिन टूट पड़ते हैं लोग, मैं भी। ये बनाया है आज का जो खाना है, तो उस टाइप से। और यहाँ तो आधे से ज़्यादा ख़त्म भी हो चुका है खा के। तो यार हमारे साथ बन्नी दी बैठी हैं अभी, लेकिन वो घर से खा के आ चुकी हैं अभी। तो गाइज अब टाइम हो चुका है डिनर का, तो मैं भी करता हूँ डिनर और आप लोग भी कर लीजिए। और आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और गुड नाइट।